हेलो फ्रेंड्स, ज्योति देसी ट्रीट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपीज, दही वड़ा, जो बनाना बहुत आसान है। मैं आपको सिखाऊंगी कि बाजार जैसे स्पॉन्जी और सॉफ्ट दही वड़ा कैसे बनते हैं, और उसके साथ में मैं आपको सिखाऊंगी कि इमली की चटनी कैसे तैयार की जाती है, जिसे सॉट भी कहते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप मेरे आने वाली सारी नई वीडियोस को देख सकें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दही वड़े और इमली की चटनी या सॉट बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ इमली। वड़े बनाने के लिए मैं उड़द की दाल का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो उड़द और मूंग को मिक्स करके भी वड़े तैयार कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ली है मीठी दही। देन हम लेंगे गुड़। मसालों में हमने लिया है 1 चम्मच गरम मसाला, 3 इलायची के दाने, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच जीरा कुटा और भुना हुआ। उसके बाद हमने लिए है हींग। फिर हम लेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च, और लास्ट में ग्रेट की हुई अदरक। वड़े बनाने के लिए मैंने पहले से ही उड़द की दाल को 5-6 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। अब इसमें से हमने पूरा पानी निकाल लिया है, और अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे। देखिए, मैंने दाल को पूरा पीस लिया है, और उसको पीसते वक्त पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट अलग करके रख देते हैं, और तब तक हम अपनी इमली की चटनी तैयार कर लेते हैं। इमली की चटनी को सॉल्ट भी कहते हैं, तो इस सॉल्ट को बनाने के लिए मैंने 5-10 मिनट के लिए इमली को भिगो कर रख दिया था। ये देखिए सॉफ्ट हो गई है। अब इसको स्क्वीज करके हमें इसके रस को निकालना होगा ऐसे, और उसके बाद हम इसे छान लेंगे। हमने इमली का पूरा पानी निकाल लिया है और इसे गैस पर रख दिया था उबलने के लिए। अब ये उबल रहा है, तो इससे स्टेज पर हम इसमें गुड़ डाल देते हैं और इसको पिघलने देते हैं। हमारा गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। इस स्टेज पर हम सारे मसाले मिलाएंगे। पहले मैं ये डाल रही हूँ जीरा, देन गरम मसाला, मिर्च, नमक, काला नमक, अदरक, और लास्ट में इलायची। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अभी जो इसकी कंसिस्टेंसी है, ये पानी जैसा है, तो इसे हमें जब तक उबालना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, एक तरह से सॉफ्ट ना बन जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। तो चलिए इसे पकने देते हैं, और तब तक हम अपने वड़े तैयार कर लेते हैं। 5-10 मिनट हो चुके हैं उड़द दाल को रस पर रहे। अब हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। मैंने इसे एक बड़े कंटेनर में ट्रांसफर कर लिया है, बिकॉज अब हमें इसे फैटना होगा, वो भी 8 से 10 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में। तो मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे फैटेंगे। आप चाहें तो थोड़े से पानी का यूज़ करके इसको फैट सकते हैं। हमने क्योंकि पीसते टाइम बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया था, तो अब हम इसे फैटेंगे पानी के साथ में थोड़ा। देखिए, हमारी ये जो इमली चटनी है, सॉट है, ये बनके बिल्कुल तैयार है। इस कंसिस्टेंसी तक हमें इसे पकाना था, तो ये अब रेडी हो चुकी है। ये मैंने आपको ट्रेडिशनल तरीका बनाया है सॉट बनाने का, तो इसे घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, हमने इसे अच्छे से फैट लिया है 8-10 मिनट तक। आपको भी एक ही डायरेक्शन में इसे अच्छे से फैटना है। जितना ज़्यादा फैटेंगे उतने अच्छे और पफी वड़े बनेंगे। अब इस स्टेज पर हम डालते हैं इसमें थोड़ी सी हींग और नमक 1/2 चम्मच, और इसको वापस से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये बैटर तैयार है वड़े बनाने के लिए या नहीं, तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। मैंने इसे ऐसे बैटर को इस चम्मच में भरा, और उसके बाद मैं इसको गिराने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये इतनी आसानी से नहीं गिर रहा। दैट मीन्स ये बैटर अब तैयार है वड़े बनाने के लिए।
वड़े बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी गैस पर ये कढ़ाई रख दी थी। और आपको वड़े तलते समय ध्यान रखना है कि इसको ना तो बिल्कुल लो फ्लेम पर तलना है और ना हाई पे, इसको मीडियम फ्लेम पे ही तलना है। बिकॉज यदि आप इसे लो फ्लेम पे तलेंगे तो ये ज़्यादा तेल पिएगा, और यदि आप इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे तो ये ऊपर से तो बिल्कुल क्रंची हो जाएंगे बट अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है। अब मैं वड़े बनाना स्टार्ट करती हूँ। हमें इन्हें दोनों तरफ से तब तक सेकना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो ये वड़े हैं ये ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। वड़ों को भिगोने के लिए मैंने ऑलरेडी गैस पर पानी रखकर उसे थोड़ा सा उबाल लिया था। हमें गुनगुना ही रखना है, ज्यादा नहीं उबालना। उसके बाद अभी जो मैंने वड़े निकाले थे इन सबको मैं इसमें डुबो देती हूँ। अब इन वड़ों को हम 15 मिनट के लिए इसी पानी में डूबे रहने देते हैं जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। मैंने सारे वड़ों को पानी से निकाल लिया है, ये ठंडे भी हो गए हैं। अब मैं इसमें से ऐसे पानी आपको निकाल के दिखाती हूँ। आपको इसे ज़्यादा पानी नहीं निकालना है, इसमें से थोड़ी जूसी से तो होनी ही चाहिए अंदर से। तो हम इसका पानी निकाल के सारे वड़ों में से इसको सर्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने सारे वड़ों में से पानी निकाल लिया है, अब हम इसे सर्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसमें डालूंगी दही। अब इसमें डालूंगी मैं इमली की चटनी जिसे सॉल्ट भी कहते हैं। अब इसमें डालूंगी जीरा, लाल मिर्च, लास्ट में नमक। हमारे दही बड़े बनके बिल्कुल तैयार है। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इसे अब मैं आपको एक बार काट के भी दिखाती हूँ कि कितने स्पॉन्जी बने हैं। देखिए है ना टेस्टी टेस्टी, ये अंदर से बहुत ज्यादा स्पॉन्जी बने हैं। तो प्लीज एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। और यदि ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, थैंक यू।